हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्टलाइट गुरुजी में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे गूगल ट्रांसलेट ऐप के बारे में, क्या क्या है इसमें फीचर्स और कैसे करते हैं इसे इस्तेमाल। दोस्तों कई बार हमें कुछ मैसेज ऐसे मिल जाते हैं जो कि हम पढ़ नहीं पाते ठीक से, और इनफैक्ट कई बार हमें डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ मैसेज मिलता है तो भी हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें वो लैंग्वेज आता नहीं बोलने, इनफैक्ट पढ़ने नहीं आता या इनफैक्ट लिखने नहीं आता। लेकिन दोस्तों हम बड़ी आसानी से गूगल ट्रांसलेटर ऐप का इस्तेमाल कर वो लैंग्वेज पढ़ भी सकते हैं, इनफैक्ट उस लैंग्वेज में हम किसी को मैसेज भी दे सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल ट्रांसलेट ऐप के बारे में चलिए जानते हैं और विस्तार से। दोस्तों गूगल का जो ट्रांसलेट ऐप है ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, तो आपको एक बार प्ले स्टोर पे विजिट करना है जहां पर आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप जो है टाइप करना है। तो जब एक बार आप गूगल ट्रांसलेट ऐप टाइप कर लेंगे तो सर्च कर दीजिए, और सर्च करने के बाद जो आपको गूगल ट्रांसलेट का ऐप मिलेगा जो कि गूगल ने ही प्रोवाइड किया है तो आप सिंपली उसे डाउनलोड कर दीजिए। दोस्तों रिसेंटली ये 13.34 MB का ऐप है, फ्यूचर में शायद आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो इसका साइज इंप्रूव हो गया होगा, इनफैक्ट काफी कुछ फीचर्स भी ऐड हो गए होंगे। तो दोस्तों ये जो ऐप है आपको कर लेना है सिंपली से इंस्टॉल, और एक बार जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको कर लीजिए ओपन। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करते ही हमारे सामने जो कुछ इंटरफेस इस तरह का आया जहां पर हमें जो है एक हिंदी लैंग्वेज का ऑफलाइन पैकेज जो है डाउनलोड करने के लिए दिया गया है, तो मैं इसे सिंपली कर लेता हूं डाउनलोड। और दोस्तों एक चीज और नोटिस कीजिए, ऊपर जो है दो जगह है जहां की फर्स्ट इंग्लिश है और राइट साइड पर जो है वो हिंदी है। तो जो फर्स्ट टाइप पर है दोस्तों वो इनपुट का ऑप्शन है, यानी कि हम जो है इंग्लिश में कुछ लिखेंगे और उसे वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश पे कुछ लिख देना है, तो चलिए कुछ वर्ड लिख देते हैं। देखिए जैसे मैंने बुक लिखा तो उसे वो ट्रांसलेट कर चुका है किताब, और एक कुछ लिख लेते हैं, चलिए हाँ मैंने मैंगो लिखा और देखिए उसे भी वो ट्रांसलेट कर गया। ये काफी इंस्टेंट और काफी एक्यूरेट काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ से आप डिफरेंट लैंग्वेज इनपुट के लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, किस किस लैंग्वेज में आप इनपुट करना चाहते हैं और किस लैंग्वेज में वो उसे आउटपुट लेना चाहते हैं, इनफैक्ट कौन से लैंग्वेज में आप उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो काफी कुछ लैंग्वेज है यहाँ पे, काफी लैंग्वेज है जिसपे आपको जरूरत पड़े आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं और किसी के साथ बड़े आसान से उसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, नीचे जो चार ऑप्शन और दिख रहे होंगे, एक कैमरा, एक हैंडराइटिंग, एक कन्वर्सेशन, एक वॉइस। दोस्तों यहां पर जो कैमरा का ऑप्शन है सिंपली आप इसे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो है बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ये परमिशन मांगते ही दोस्तों परमिशन दीजिए इसे और अलाउ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कैमरा के ऑप्शन पे भी दोस्तों ऊपर दिख रहा होगा इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपको इंग्लिश में कुछ वर्ड्स लिखे होंगे जिसे कैमरा से आपको कैप्चर करना है और वो हाईलाइट करने के बाद वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेगा। दोस्तों नीचे बॉटम पर देखिए एक गैलरी जैसा एक छोटा पिक्चर का आइकॉन पर, पिक्चर पे पिक्चर का आइकॉन है दोस्तों, ये सिंपली ये जो है आपको परमिशन देना होगा ताकि आप अपनी गैलरी से भी कुछ फाइल्स को चाहे तो यहाँ पर ला सकते हैं, कुछ इमेज को, और उस इमेज से आप किसी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में वर्ड लिखा है। इनफैक्ट यहाँ इंग्लिश डिडक्शन का मैंने ऑन रखा है, तो इंग्लिश का जो वर्ड लिखा होगा उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये जो फीचर्स है दोस्तों अभी फिलहाल बाकी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, अभी मैंने हिंदी में इंग्लिश में ही चेक किया और इंग्लिश में अवेलेबल है, फिलहाल ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। शायद हो सकता है फ्यूचर में ये गूगल की तरफ से इंप्रूवमेंट हो और ये हिंदी में भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक आई का बटन दिख रहा होगा आपको, इस आई के बटन पर दोस्तों ये जो है ऑटो फोकस का ऑप्शन, ऑटो फोकस का ऑप्शन है, ये जो ऑटो फोकस है इनफैक्ट ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके प्रीव्यू भी कर देगा, और साइड में जो है फ्लैश का ऑप्शन है दोस्तों ताकि आपका जो भी टेक्स्ट है उसे अच्छे से आप क्लियर देख पाए। तो चलिए यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों मैंने मैंगो लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर जो फोटोस इमेज पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये क्लिक हो जाए, और क्लिक होते ही दोस्तों ये जो है उसे स्कैन कर रहा है, स्कैन करते ही उसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए मिल गए हैं, मैं उसे सिंपली हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वो उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर दे। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ट्रांसलेट किया मतलब हाईलाइट किया उस वर्ड को, तो उस गूगल ट्रांसलेटर ने उसे ट्रांसलेट कर दिया कि यहाँ मैंगो लिखा हुआ है और उसका मीनिंग हिंदी में आम है। तो एक और बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ बुक लिख लिया है और इसे मैं कैप्चर कर लेता हूँ, उसके बाद ये स्कैन कर लेगा, और स्कैन करते दोस्तों मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। तो देखिए किताब बुक जो है ये हाईलाइट कर चुका है, बुक को ये समझ लिया इसने हिंदी में किताब है। दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं हैंडराइटिंग की तरफ। हैंडराइटिंग में भी दोस्तों आप यहां पर जो है आप खुद से कुछ लिख सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो।
तो देखिए हेलो ऊपर डिटेक्ट कर लिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ड्राइंग पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लिखकर उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक ऊपर पेन का भी छोटा आइकॉन है, ये सिंपली दोस्तों इस हैंडराइटिंग मोड को क्लिक करते ये कीबोर्ड में चला जाने का एक शॉर्टकट ऑप्शन है, ताकि आप कीबोर्ड में चले जाए और कीबोर्ड में भी यहाँ पर आप टाइप करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कॉन्वर्सेशन के लिए। कॉन्वर्सेशन दोस्तों यहाँ पर मैं अपने माइक को इस्तेमाल में कर ले रहा हूँ, तो शायद आपको ऑडियो ना सुनने को मिले जो कि आउटपुट ऑडियो हो। कॉन्वर्सेशन पर क्लिक करते हैं तो ये एक बार परमिशन मांगेगा आपके माइक को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक, देखिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो टाइप हो रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। स्पॉटलाइट गुरुजी, देखिए उसने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। दोस्तों यहाँ पर राइट साइड पर हिंदी का भी ऑप्शन है, उसे क्लिक करके आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या हाल है, देखिए ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों यहाँ जो बीच पर ऑप्शन है जो कि ऑटो का ऑप्शन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो ऑटो का ऑप्शन दोस्तों किस लिए है, यहाँ पर दोनों दो लैंग्वेजों को आप कॉम्बाइन में ही यूज इस्तेमाल में कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब मैं हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे हिंदी में बोलना है और जो इंग्लिश में आउटपुट हो रहा है, जब मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो वहां पर दोस्तों क्या है कि मुझे इंग्लिश में बोलना है और वो हिंदी में उसे आउटपुट कर लेगा। और जो ऑटो का ऑप्शन है दोस्तों ये दो लैंग्वेज को डिटेक्ट करता है, यहाँ पे जो जो आपने लैंग्वेज रखे हैं सिलेक्ट कर वो दोनों ही लैंग्वेज पे मतलब डिटेक्ट करता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है। सिंपली जो वॉइस का ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप जिस लैंग्वेज में इनपुट रखे हैं और आपको बस सिंपली बोलना है, उसके बाद वो हिंदी में ऑटोमेटिक उसे ट्रांसलेट कर देगा। दोस्तों यहाँ पर आप किसी और लैंग्वेज का भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। चलिए मैं एक बार दूसरी लैंग्वेज को इस्तेमाल में लेके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया, दोस्तों हिंदी जो मेरा पैकेज है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इंग्लिश में आउटपुट। तो यहाँ पे वॉइस पे जाते हैं, क्या हाल है, क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से ये काफी यूजफुल है जिसको आप सिंपली से इस्तेमाल ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो जो हमने मतलब कन्वर्ट किए हैं, जो भी ट्रांसलेट किए हैं वर्ड्स को, उसके ऊपर स्टार मार्क हो गया। दोस्तों ये स्टार मार्क बेसिकली इसलिए है ताकि आप इसे जब आगे भी इस्तेमाल करें, मतलब जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एक बार जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो उस वर्ड पे भी एक स्टार का मार्क है, इधर एक कॉपी का ऑप्शन भी है। दोस्तों सिंपली से यहाँ से आप कॉपी कर उसे इंस्टेंटली किसी व्हाट्सएप पर या कहीं भी आप जिससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसे रिप्लाई भी कर सकते हैं, और जो भी है वो बोल रहा है आप उसे काफ़ी फास्ट यहाँ पर कन्वर्ट कर समझ सकते हैं। तो यही कुछ था गूगल ट्रांसलेट का इंटरफेस। दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों इसके बारे में जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी डिटेल दी है गूगल ट्रांसलेट के लिए, तो आपको समझ में आया होगा और आप इसको बड़े आराम से अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी वर्ड को समझने के लिए, इनफैक्ट किसी डिफरेंट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। तो एक बार आप जरूर गूगल ट्रांसलेट ऐप का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डे टू डे इम्प्रूव हो रहा है, फ्यूचर में काफ़ी और लैंग्वेज का आपको सपोर्ट मिल सकता है और काफ़ी अच्छा ऐप है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट बनाता रहूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक यूट्यूब पर वीडियो देखते रहिए, एंटरटेन होते रहिए और अपना ख्याल रखिए।